हेलो गाइस, और एक ब्लॉग में आप सबको स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ एकलव्य स्कूल, तो इस ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक जरूर देखिए और स्कूल को देखिएगा कैसे दिख रहा है। तो मैं अभी भाभी के साथ जाऊँगा, भाभी आई नहीं है, आएगी अभी, तो वीडियो में बने रहिए गाइस। मेरे साथ भाभी और अमन बैठा हुआ है बाइक में और हम लोग तीनों जा रहे हैं, वो कारमुंडा जा रहे हैं। गाइस हम लोग अभी कुआरमुंडा मार्केट में पहुंच चुके हैं। चैनल में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस अभी हम लोग नेट पार्लर में आए हैं, भाभी का कुछ काम है तो अभी मैं खड़ा हूँ, देख सकते हो। मेरे साथ अमन भी है। क्या अमन, तेरा स्कूल जा रहा है? तो गाइस भाभी जी का कुछ नेट पार्लर में कुछ काम था और अभी हम लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए, तो वीडियो में बने रहिए गाइस। तो गाइस और थोड़ा दूर है स्कूल, तो एक ही बार आपसे मिलते हैं स्कूल में। पहले जाएंगे हम लोग एसटी फ्रांसिस स्कूल, तो वहाँ से कुछ काम ख़त्म करके उसके बाद निकलेंगे एकलव्य स्कूल के लिए। गाइस अभी एसटी फ्रांसिस स्कूल पहुँच गए, भाभी का कुछ काम है इसलिए यहाँ से कुछ काम ख़त्म करेंगे उसके जाएंगे एकलव्य स्कूल। धूप तो बड़ी भयंकर हो रहा है गर्मी। मेरा कुछ स्कूल, ये रहा एकलव्य स्कूल, देख सकते हो। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अंदर एंट्री करते हैं। ये रहा स्कूल, अमन का नया स्कूल। तो गाइस बताना कमेंट करके स्कूल कैसे लगा, और थोड़ा बहुत काम बाकी है स्कूल में, देख सकते हो। मतलब चारों तरफ ज़्यादा फूल वूल कुछ नहीं है, गच उच ज़्यादा पेड़ नहीं है, तो काम चल रहा है स्कूल। बच्चे अंदर होंगे, शायद पढ़ रहे होंगे, क्लास में होंगे अभी फ़िलहाल, इसलिए। और इस ब्लॉग को आज इतना ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और नया ब्लॉग के साथ।